देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। कोई अपराध हो, लूट हो, चोरी हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, डर लग रहा हो, आप किसको सबसे पहले फोन करने की सोचेंगे? आप सबसे पहले किसको अप्रोच करने की सोचेंगे? जवाब एक ही होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे चंपारण के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, केरला के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटका के हों, एक ही जवाब है और वो जवाब है पुलिस। ये जवाब इसलिए है क्योंकि यही व्यवस्था है, ये जवाब इसलिए है क्योंकि यही सिस्टम है। तो दर्शकों, एक सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम, क्या ये जवाब सही है, ये ठीक है, ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, ये व्यवस्थाएं ठीक से चल रही है? आप तो पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या पुलिस की नियत उतनी ही साफ है? दर्शकों, पुलिसिया तंत्र पर, पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर, पुलिस के व्यवहार पर कई दफा वीडियोज आते रहे हैं, हमने आपने देखे हैं, हमने आपने उस पर चर्चा भी की है, बातचीत भी की है। लेकिन एक बात सोचिए कि जिस पुलिस को देखकर लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, क्या उस पुलिस को देखकर आप डरते नहीं हैं? आप पूछेंगे डरते क्यों हैं भाई? डरते हैं भाई, आम लोग हैं भाई, डरते हैं भाई, जेब में आज भी सादा रुमाल लेकर घूमते हैं, डरते हैं भाई, आम लोग हैं, डरते हैं भाई। वो तो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं जो उनको डांट लेते हैं, डपट लेते हैं, लेकिन आम आदमी से कभी पूछिए कि वो पुलिस के सामने खड़े होने में कितनी दफा और कितनी गति के साथ कांपता है? उसका अगर एक फोन भी चोरी हो जाता है तो वो थाने जाने में डरता है। अब आप कहेंगे कि क्यों डरता है भाई, ये तो व्यवस्था है। इसलिए डरता है क्योंकि पुलिस का जो व्यवहार है वो ऐसा है कि मानो पुलिस एक आम सिपाही भी जब सामने परख लेता है कि उसके सामने वाला कुछ नहीं है, आम है, तो फिर उस आम को चूसता जरूर है और चूसकर खाकर साइड में फेंक देता है। क्या उत्तर प्रदेश की कोई तस्वीर हो पुलिस की, क्या मध्य प्रदेश की हो, क्या राजस्थान की हो, क्या झारखंड की हो, हर जगह की यही तस्वीर है। लेकिन आज एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा, यह तस्वीर बहुत खास है। पूछिए कैसे? यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि दरअसल पुलिस महकमा ही पुलिस महकमे के सामने आ गया। अभी तक क्या देखते थे आप? मैं कावेंद्र चौहान आपको बता रहा हूं, अभी तक आप क्या देखते थे? अभी तक आप ये देखते थे कि कैसे एक पुलिस के सिपाही ने, आला अधिकारी ने कैसे आम आदमी को डांट दिया, डपट दिया, लठिया दिया, गरिया दिया। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक दरोगा साहब एक व्यक्ति को हड़का रहे थे। क्यों हड़का रहे थे? क्योंकि उनका कोई वाहन चोरी हो गया था, वो उस वाहन की चोरी की घटना को पुलिस वालों को बताना चाह रहे थे, दरोगा साहब को बता रहे थे, क्योंकि ये व्यवस्था है भाई। जब वो बता रहे थे तो दरोगा साहब बोले कि खुद ही रखाया होगा, चल भाग गया। लेकिन इसमें एक विचित्र बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि वो ये बात जिससे कह रहे थे वो उसी जिले का पुलिस अधीक्षक था, एसपी। तो दरोगा साहब एसपी साहब को पहचान नहीं पाए, एसपी साहब थे सिविल ड्रेस में, एसपी साहब ले रहे थे जायजा कि भैया कैसे बात करते हैं दरोगा जी, और दरोगा जी तो ठहरे मुन्नीलाल। एक वो मूवी है ना अजय देवगन की, भारी मिस्टेक हो गया साहब, तो ये वही मूवी थी। एक एसपी साहब है वो काफी अजय देवगन बनने की कोशिश में थे लेकिन सामने पड़ गए मुन्नीलाल और दिए गरिया और दिए हड़का। जरा ये वीडियो देखिए फिर मजा देखिए, वीडियो चलाइएगा जरा। अरे साथ में लेकर जाते जहां गए थे, हमको तो नहीं लगता है कि यहां से आपका गाड़ी चोरी हुआ है, कहीं गाड़ी चोरी कराइएगा, यहां कहिएगा कि चोरी हो गया, कहीं कहीं कमरा है। दर्शकों देखा वीडियो, मजेदार था कि नहीं? ये जो सामने सिविल ड्रेस में जो बाबू बने खड़े थे ये और कोई नहीं बल्कि एसपी साहब हैं, और एसपी साहब को जो सिविल ड्रेस और बाबू वाली उनकी कायाकल्प देखकर जो उनको हड़का रहा है वो एक दरोगा है।
बाद में दरोगा जी को पता चला होगा कि आम आदमी नहीं, दरअसल एसपी साहब है, तो मारे डर के कांपे होंगे खूब। लेकिन दर्शकों, यह सोचने पर मजबूर करता है कि पुलिस व्यवस्था क्या है। हम खूब नेताओं को भला बुरा सब कुछ कहते रहे, लेकिन जिस पुलिस को हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो पुलिस सुरक्षा देने के बजाय अगर डांटे, डबटे और बिल्कुल सटीक बदमाशों जैसा व्यवहार करे, तो ऐसी पुलिस व्यवस्था को बहुत जल्द सरेआम, मैं कहता हूं ऐसी पुलिस व्यवस्था को बहुत जल्द सरेआम इनको भंग कर देना चाहिए। भंग करने का मतलब है कि खत्म कर देना चाहिए, छोड़िए। जहां रिश्वत का खेल चलता हो, जहां डांटने का, डपटने का, मारने का, गंभीर तरीके से बदतमीजी करने का व्यवहार चलता हो, ऐसी व्यवस्था को खत्म करिए। एक वीडियो आपको दिखाता हूं कि कोरोना का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मास्क लगाने के लिए वही कह सकता है जो खुद उस चीज की पालना कर रहा हो। तो एक पुलिसकर्मी है, खुद मास्क नहीं है, और एक व्यक्ति को डांट रहा है, हड़का रहा है कि तू बाहर कैसे निकला। और जब उस व्यक्ति ने पलट के पूछ लिया कि साहब आप तो खुद मास्क नहीं लगाए हैं, तो उसको तमाचा चढ़ दिया। ये वीडियो पटना का है, जरा देखिए इसको। ऐसे ही ले जाइए ना सर, हम ऐसे चुरा लेंगे गाड़ी, हम थाना में तो देखा आपने, खुद तो मास्क है नहीं पुलिसकर्मी के पास, सामने वाले को टोक रहा है कि मास्क क्यों नहीं, जब उसने पलट के पूछ दिया तो फिर उसको तमाचा चढ़ दिया। दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। यह है पुलिस व्यवस्था फॉर यू गाइस। एक और वीडियो है, इसमें आपको दिखाता हूं कि एक सीओ साहब की गाड़ी में एक महिला ने आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? उस महिला का कहना है कि सीओ साहब बीते 2 से 3 सालों से उसके साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब अपनी वर्दी की धमक दिखाकर उसको टाटा बाय बाय करने की सोच रहे हैं। लड़की ने पहले तो आग लगा दी और बाद में सारी पोल पटरी खोल दी। वीडियो दिखाइएगा जरा। ऐसा नहीं कर सकती, हमको ब्लैकमेल करते हैं, 400 रुपया पूरा फैमिली मेरे अकाउंट में जो पैसे डाले, रुकिए इनका पक्ष लेने लगते हैं, पक्ष लेने लगते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम यही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, हमारा बात आप सब सुनिए। कोई किसी लड़की की जिंदगी ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमको ऐसा करके वो वहाँ पे नहीं बैठ के ड्यूटी कर सकता है, उसको भी अरेस्ट करके लाना चाहिए। 3-4 साल से हम लोग साथ में है। नहीं, हमने नहीं लगाई, वो गाड़ी में खुद बैठा है, वहाँ से वहाँ के बीच का सीसीटीवी आप जांच कीजिएगा। थाना से कुछ दूर आगे तक हमको फोन करके बुलाया, मेरा मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया, ऐसे मारपीट किया। क्या मामला दर्ज करवाया? हमने वही जो रिपोर्ट में लिखा है कि हमको मारा पीटा, ऐसा किया, मेरा मोबाइल छीना, हमको फोन करके बुलाया यहाँ पे। फिर वहाँ नहीं हमको मारा है पीटा, 400 से संबंध में हम लोग, मेरा मोबाइल में जितना भी डेटा था मार के छीन लिया। तो ये समस्त वीडियो इसलिए दिखाई गई आपको ताकि आप ये समझ सकें और थोड़ा सा सोच विचार कर सकें कि जो पुलिस सुरक्षा के लिए है, जिस पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उस पुलिस को देखकर लोग डर क्यों रहे हैं।
वो पुलिस अपने व्यवहार में बदलाव क्यों नहीं ला रही, वो पुलिस किसी भी आम व्यक्ति को इतना आम क्यों बना रही है कि उस पर अपनी वर्दी का डंडा लेकर टूट पड़ रही है, उसको सरेआम मार रही है, पीट रही है, उससे इस कदर व्यवहार कर रही है। सबसे पहला जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें यह था कि एक दरोगा सिविल ड्रेस में, जो एक एसपी साहब थे, वो ऐसे ही सिविल ड्रेस पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि लाइए, जानते हैं कि थाने में क्या माहौल है। जब वो थाने में पहुंचे, उन्होंने यूं ही उन्होंने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसके बाद दरोगा साहब ने उन्हीं को हड़का दिया। हालांकि बाद में जब पता चला कि एसपी साहब हैं तो चाय पानी नाश्ता जरूर करवाया होगा। इसी व्यवहार को लेकर, इसी पर थोड़ी सी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के एक्स डीजीपी साहब अशोक गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सर, आप चूंकि एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, प्रदेश के एक बड़े अधिकारी रहे हैं, आपसे मैं बस इतनी सी चीज जानना चाहता हूं, तमाम दर्शक आज आपको देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के, वो सिर्फ आपसे इतना जानना चाहते हैं कि हमने कई अधिकारी देखे हैं, बड़े अधिकारी देखे हैं, डीजीपी लेवल के जो अधिकारी उनको देखा है, मुख्यमंत्री खुद कई दफा कह चुके हैं कि पुलिस कर्मियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है और विनम्रता के साथ आम लोगों से बात करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हम देखते हैं कि चौकी थानों में क्या रिश्वत नहीं चलती, चौकी थानों में अगर एक आम आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये जो व्यवहार का पूरा जो सिस्टम बन चुका है, इसको कैसे बदला जा सकता है? सर, सर आपका म्यूट हो रखा होगा, उसको म्यूट को थोड़ा हटाइएगा। सर म्यूट कर रखा होगा आपने, म्यूट को हटा दीजिए। सर सर आपका फोन म्यूट पर होगा। सर अशोक जी, आपका फोन म्यूट पर होगा, उसको म्यूट को हटा दीजिएगा। सर नहीं, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, सर म्यूट पर है शायद। चलिए ठीक है, हम टीम से कहेंगे कि आपसे दोबारा एक बार कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगी और आपकी आवाज पर दोबारा से कोशिश करेगी कि आपकी आवाज को हम तक पहुंचाया और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। तो मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं और यही बात कर रहा हूं कि जिस पुलिस को, जिन पुलिस कर्मियों को हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए रखा जाता है, वो ऐसी तस्वीरें बार बार क्यों पेश करते हैं और आम जनता क्यों बार बार पिसती है? जिस आम जनता को सुरक्षित महसूस करना है, जिस आम जनता को पुलिस को देखते ही एक तरीके से सुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये सब तस्वीरें क्यों हमारे सामने आ रही है? ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं आज जितनी विनम्रता, जितनी गंभीरता के साथ ये सब बातें आप तक रख रहा हूं, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर ये व्यवस्था है तो फिर ये व्यवस्था क्यों है, क्या काम है इस व्यवस्था का? अगर हम सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर हम लोगों के अंदर ये माहौल, ये माइंडसेट पैदा नहीं कर सकते कि पुलिस है तो हम सब सेफ हैं, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? एक बार और हम आखिरी कोशिश करते हैं, अशोक जी से आवाज लेने की कोशिश करते हैं। आप एक्स डीजीपी हैं बिहार के, अशोक जी एक बार और अपना आवाज का थोड़ा सा देखिएगा, आवाज टेस्ट करवाइएगा। अशोक जी, आपको मेरा आवाज आ रहा है? चलिए अशोक जी, कुछ टेक्निकल समस्या है, मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे कि आवाज फिक्स नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि आपसे कोऑर्डिनेट करें और आपसे क्षमा याचना करें कि ये टेक्निकल जो भी वजह है उसको ठीक किया जा सकता। अगर आप हमारे साथ जुड़ते तो काफ़ी डीप में जाके इसको समझ सकते थे हम कि आखिर समस्या कहाँ है, पेच कहाँ फंस रहा है। जब मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी, प्रदेश लेवल के DGP, हर कोई इस तरह की बातें करता है, कमिश्नर भी इस तरीके की बातें करते हैं कि पुलिस कर्मियों को अपने रवैयों को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें आना कभी भी बंद नहीं हुई, ये तस्वीरें आना कभी भी आम नहीं हुई, और इसके पीछे वजह क्या है वो दरअसल समझना बहुत जरूरी है, वो दरअसल समझना बहुत आवश्यक है। फिलहाल आपको यहीं पर छोड़ के जाता हूं और फिलहाल आज इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि एक बार सोचिएगा जरूर कि तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं ये क्या कुछ कहती हैं, और ये जो कुछ कहती हैं तो आखिर इस व्यवस्था का
वो हाल क्यों नहीं कि जिस हाल के लिए इस व्यवस्था को बनाया जाता था? ये उस हाल में क्यों है जहां रिश्वतखोरी है, जहां बदतमीजी है, बदसलूकी है, गुंडागर्दी है? ये उस हाल में क्यों है? ये उस हाल में क्यों नहीं कि जिस हाल के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था? सोचिएगा जरूर। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ वेदांता, एक ऐसा शैक्षिक